अपनी जान देनी है तो कहीं जाए पहाड़ से कूद कर अपनी जान दे। एमआईएम के जो रऊफ लाला है उन्होंने गटर और नाले पर ही लेकर राजनीति की है। बताइए आपने क्यों बदली किया, पहले आप निजीकरण के साथ थे लेकिन अब जो है निजीकरण हमें इस्लामुद्दीन खान आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा की बिजली विभाग निजीकरण करने के लिए लगातार एनसीपी पर आरोप लग रहे हैं लेकिन अब एनसीपी के कलवा मुंब्रा के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने इस निजीकरण के विरोध में मंत्रालय में चंद्रशेखर बावरकुड़े को एक पत्र दिया है। यहां हमारे साथ मौजूद हैं कलवा मुंब्रा अध्यक्ष एनसीपी के समीम खान साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब जो है बिजली निजीकरण के खिलाफ जो है उन लोगों ने भी पत्र दिया है, क्या है समीम खान? देखिए आप ही ने कुछ टाइम पहले कहा कि आरोप लगाया जा रहा है, तो इस्लामुद्दीन भाई ये सच में आरोप है हमारे ऊपर, हमारे विधायक जी के ऊपर। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, ये आरोप कौन लगा रहा है आप जानते हैं? कुछ चंद लोग इस शहर में जो अपने पार्टी का झंडा ऊंचा करने के लिए, अपने आप को मीडिया में लाने के लिए फेसबुक लाइव करते हैं या अपने आप को मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम शहर को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, ये उनका काम है। हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि अगर हमारे शहर के साथ में जो निजीकरण की बात की जा रही है, कई लोगों ने कहा कि आमदार साहब इसके सपोर्ट में है निजीकरण के, कई लोगों ने कहा, यही अपोजिशन के लोग कहते हैं कि आमदार साहब उसका सपोर्ट कर रहे हैं, आमदार साहब ये कर रहे हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से एक लेटर दिखाना चाहता हूँ। बहुत लोग लाइव पे आते हैं आपके माध्यम से, प्रहार टाइम्स पे आते हैं तो लेटर लेके बैठते हैं, आज मैं भी लेटर लेके बैठा हूँ। तो मैं आपके माध्यम से ये लेटर दिखाना चाहता हूँ। ये लेटर श्री जितेंद्र आव्हाड साहब का है, हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने ये लेटर दिया है। इस लेटर में माफ़ कीजिएगा, इस लेटर में आमदार विधायक साहब का ये सिग्नेचर्स है और ये लेटर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब का है और ये लेटर श्री चंद्रशेखर बावनकुले साहब के नाम पे दिया गया है। आप देख सकते हैं हम आपके माध्यम से इस लेटर को दिखा रहे हैं और इसके नीचे और दो सिग्नेचर्स है जिसमें एक सिग्नेचर शमीम खान की है और एक सिग्नेचर अशरफ पठान शानू की है। सर पहले आप लोग जो है इसको बिजली को निजीकरण करना चाहते थे लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि जो आप लोग इसके खिलाफ हो गए? देखिए निजीकरण की जो बात है, निजीकरण के बारे में हमारे आमदार साहब या हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी कभी जनता का नुकसान नहीं चाहेगी लेकिन आप ही के पार्टी के नेता हैं अजीज बाटा, उन्होंने इसके खिलाफ जो है पैदल यात्रा की थी लेकिन उसमें जो है एनसीपी का कोई भी नेता उनका साथ नहीं दिया था। नहीं, ये आपसे जो बातें आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं आप तक कंफ्यूजिंग है इस्लामुद्दीन साहब, इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अब्दुल अजीज बाटा शेख हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं और हमारी भाभी यानी उनकी अहलिया नगर सेविका हैं और वो मायनटी के थाना डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं। अब्दुल अजीज शेख बाटा साहब ने जब पैदल यात्रा निकाली थी तो आपकी जानकारी के लिए आव्हाड साहब के मार्गदर्शन में निकाली थी, आपकी जानकारी के लिए, कि उस वक्त कहीं ना कहीं से उन्हें ये बात आ रही थी कि शायद ये मुंब्रा कोसा निजीकरण में जा चला जाएगा, इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। हम उनके कदम की सराहना करते हैं और उनकी सोच को हम सलाम करते हैं। इस तरीके से वो अकेले नहीं थे, मैं उस वक्त खुद पार्टी का प्रेसिडेंट हूं लेकिन मैं उस वक्त यूपी में था, मैं मुंबई में था भी नहीं। अगर कभी ऐसा होता है तो देश में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा जितना बड़ा आंदोलन हम लोग मुंब्रा कलवा के अंदर करेंगे। सर आप बोल रहे हैं आंदोलन करेंगे, आंदोलन कर रहे, बार बार आंदोलन को लेकर जो है आपके विरोधी जो है आप पर भी निशाना लगा रहे हैं, उनका लगातार कहना है कि अगर समीम खान को जो है लगातार आंदोलन करना है, उन्हें अपनी जान देनी है तो कहीं जाए पहाड़ से कूद कर अपनी जान दे दें, क्यों बार बार आंदोलन कर रहे हैं? अगर आप ये कहते हो कि मैं जाके पहाड़ से कूद जाऊँ अपनी जान दे दूँ, आप ये राइटिंग में लिखित दे दो कि समीम खान के कूदने से और जान देने से अगर मेरा मसला जगह पे हल हो जाता है बिना संघर्ष किए हुए तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। लोग सिर्फ
एक दो होटल पे खड़े होकर के वो मोबाइल लेकर के फेसबुक पे टाइप करते हैं, फिर उसमें लिखते हैं कि शमीम खान शानू पठान ने आंदोलन किया हुआ तो क्या हुआ, फेसबुक लाइव आते हैं। तो आज जो माहौल चल रहा है मुंब्रा में, ये फेसबुक लाइव के जरिए जो है कब्रिस्तान का भी मुद्दा उठाया जा रहा है, वहाँ पर जो है गंदा पानी बह रहा है। और आपके ही पार्टी के अजीज बाटा साहब हैं, उन्होंने जो फेसबुक लाइव करके करीब 3-4 मरतबा हो चुका उनका फेसबुक लाइव, उन्होंने कई तरह से जो है फेसबुक लाइव के जरिए कब्रिस्तान को दिखाया है, लेकिन आप ही के जो है नगर सेवक उनके खिलाफ हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको सच दिखाने के लिए कहीं ना कहीं उनका घेराव किया जा रहा है? नहीं, ये बात कतई गलत है। अजीज बाटा साहब कल भी हमारे साथ हैं और आज भी हमारे साथ हैं और कल भी हमारे साथ रहेंगे। अब्दुल अजीज भाई ने जो बातें कही थी उसके बारे में हम लोगों ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। अगर अजीज भाई ने कोई बात कही है कि कॉन्ट्रैक्टर से कहीं कमी हो रही है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको हम चेक करें, लेकिन अजीज भाई ना हमसे दूर हैं ना हम लोग उनसे दूर हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो देखिए ये बदन का हिस्सा है तो कहीं ना कहीं कमी जाती इंसान में तो होती ही है। अगर इस तरीके से कहीं काम में कमी जाती हुई होगी उसका सुधार किया जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन आपके नगर सेवक जो है उन्होंने जो है लाइव आकर कहा था कि यहाँ जो है साफ पानी आ रहा है, कुछ लोगों ने कहा खाड़ी का पानी है, लेकिन उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए फिर दिखाया कि ये पानी जो है वो भी रात 12 बजे दिखाया कि ये पानी जो है सब बाथरूम का पानी है, शहर का गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है। उन्होंने बाकायदा बॉटल में उस पानी को भरकर और बताया कि इसे हम जाँच करने के लिए भेजेंगे। देखिए इस्लामुद्दीन भाई, मैं बात साफ कर दूँ आपसे कि एक नाला है जो उससे काफ़ी डिस्टेंस पे है, कुछ पानी वहाँ भी जमा है जहाँ की बात अजीज भाई कर रहे हैं, ठीक है। उस पानी के बारे में भी जो है अगर वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा गलत है तो उसके बारे में भी हम लोगों ने सर्वे किया, हम लोगों ने देखा है जो वॉल बाउंड कंपाउंड करना है वो कंप्लीट हो जाए जिससे आगे जाके कोई भी पानी गंदा हो या साफ पानी हो जब कब्रिस्तान का वो हिस्सा है बाउंड्री है तो वहाँ पर ना हो, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बिजली के बारे में आप फिर बताइए कि बिजली का अगर जो निजीकरण होता है तो आप इसके लिए क्या के जो यहाँ की MIM पार्टी और लगातार जो है एनसीपी पर निशाना कर रही है, देश में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा जितना बड़ा आंदोलन हम और हमारे नगर सेवक मिलकर, हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करेंगे जितना बड़ा आंदोलन कहीं देश में नहीं हुआ होगा। आज मंडी की हालत जानते हैं आप क्या है, आज मंडी में बहुत खतरनाक हालत है। तो माफ कीजिएगा, ये जुल्म और ज्यादती हम कभी नहीं होने देंगे हमारे शहर के साथ में, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े हम करने को तैयार हैं, लेकिन इसको तो हम आने नहीं देंगे, ये आपके माध्यम से वादा करता हूँ। सर यही बात मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप भिमंडी की बात करें तो भिमंडी में जब निजीकरण हुआ तो आप लोगों ने जो वहाँ का विरोध किया, लेकिन यहाँ की पार्टियाँ आप लोगों का विरोध कर रहे हैं कि निजीकरण आप खुद यहाँ पर लेकर। मेरा सवाल है आपसे, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा कि हमारे विरुद्ध कुछ पार्टियां, ऐसा अब फिर क्या हो गया कि आप जो है रुख बदली कर दिए आप अपना और जो है? माफ कीजिएगा इस्लामुद्दीन भाई, आपकी गलतफहमी हम आपको दूर कर दे रहे हैं आपके माध्यम से और आपको खुद को, कि जब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बारे में बताइए कि आपने क्यों जब बदली किया, पहले आप निजीकरण के साथ थे लेकिन अब जो है निजीकरण के खिलाफ, ऐसा क्या हुआ कि आप प्रूफ दीजिए हमें कि निजीकरण के साथ में हम कहां थे, एक प्रूफ चाहिए मुझे। सर MIM के नेता चिल्ला चिल्ला के सड़कों पर घूम रहे हैं, सुनिए ना, खुलेआम जो MIM के प्रेसिडेंट है रौफ लाला साहब है वो खुलेआम चिल्ला रहे हैं। आप उनसे कह दीजिए कि एक लेटर तो दिखा दे शमीम खान को, आप पूछिए उनसे क्या है उसका प्रूफ उनके पास। देखिए इस्लामुद्दीन भाई, हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हम अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, हम राजनीति में ज़रूर हैं लेकिन झूठ से बहुत बचते हैं और झूठ से बचने की बहुत कोशिश करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह राजनीति में ज़रूर हैं लेकिन झूठ से दूर रख हमको। ऐसा तो मैं आपसे कहना चाहूँगा एक बात को लेकर के, ऐसा कि अभी तक तो लोग कह रहे थे हमारे आमदार पे लोगों ने बदनामी का एक दाग लगाने की कोशिश किया, हमारे आमदार को लोगों ने कहा कि 35 करोड़ ले लिया आमदार साहब ने, अगर आमदार साहब ने 35 करोड़ रुपए ले लिया तो ये लेटर दिखाया, मैं दोबारा दिखाऊंगा आपके माध्यम से, ये लेटर किसका है, ये लेटर श्री जितेंद्र अवार्ड साहब का है, आमदार साहब ने लेटर दिया है, अगर 35 करोड़ रुपए ले लिया उन्होंने तो ये लेटर कैसा दिया उन्होंने। बिजली का ही मुद्दा नहीं है, कब्रिस्तान के मुद्दे पर भी जो है उनको जो है आपके आमदार को जो है यहाँ चोर भी कहा गया है, कब्रिस्तान चोर के नाम से लगातार नारे भी लगे हैं। मैं निंदा करता हूँ इन बातों पे, बहुत निंदा करता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने आपसे कहा ना कि बार 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 उनको उनके उनके नाम के साथ गलत चीज़ को जोड़ना, गलत
स्टेटमेंट देना, गलत बयानबाजी करना, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। खुशनसीबी है हमारी कि हमें ऐसा आमदार मिला है। खुदा की कसम मैं उनकी झूठी तारीफ कभी नहीं कर सकता। अगर तारीफ का काम किया है उन्होंने तो कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। लेकिन जो कब्रिस्तान पे लोग जाके फेसबुक लाइव कर रहे हैं, हाँ। वो कब्रिस्तान की जमीन तो है ही नहीं ना। रौफ लाला ने चिल्ला चिल्ला कर फेसबुक लाइव पे कहा कि ये कब्रिस्तान की जमीन नहीं है, ये गर्ल हॉस्टल की जमीन है, यहाँ पर स्लॉटर हाउस की जो है मिला हुआ है वो दी जाए, ये कब्रिस्तान नहीं है। इस्लामुद्दीन भाई, मेरा आपसे एक सवाल था, मेरा उनसे एक सवाल था। जो लोग ये कहते हैं कि कब्रिस्तान की जगह नहीं है, मैं बोलता हूं कोई टेक्निकल रीजन से अगर कब्रिस्तान और किसी जगह पे पास नहीं हो पा रही थी, अगर आमदार साहब ने इस जगह पे ला करके पास करा करके दिया तो क्या गुनाह किया? शिवसेना शाखा के पास है, वो भी तो जमीन दी जा सकती थी ना कब्रिस्तान के लिए। मेरी बात सुनिए, कहीं ना कहीं पे उसमें टेक्निकल रीजंस थे। बाकी सुनिए, टेक्निकल रीजन जो भी था, सीआरजेड वगैरह को लेकर के जो भी चीजें थी, ये जमीन, ये लैंड क्लियर थी, तो लैंड क्लियर को देखते हुए सुनिए, 107 जो उधर नहर के साइड में है वो सीआरजेड, यानी नहर के साइड। आप मेरी बात सुनिए, जहाँ पे सीआरजेड का और टेक्निकल कोई रीजंस थे, उस रीजंस को देखते हुए वहाँ पे अगर वो जगह अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा था, तो कब्रिस्तान के लिए हमारे हजरत मोइन मियां अशरफ साहब, सैयद अली भाई साहब, हमारे शहर के तमाम नगर सेवक, हम लोगों ने मिल करके बार बार अवार्ड साहब से कहा कि जल्दी कब्रिस्तान लाइए, जल्दी कब्रिस्तान लाइए। तो अगर अवार्ड साहब ने हमारे उलमाओं की बातों को ध्यान में रखते हुए, शहर की समस्याओं को देखते हुए, अगर उन्होंने उस जगह पे कब्रिस्तान ले आए और उसके बाद उसी के अपोजिट साइड में स्लाइडर हाउस भी आ रहा है, गर्ल्स हॉस्टल भी आ रहा है, तो क्या गुनाह है? मैं पूछता हूँ, क्या गुनाह किया उन्होंने? राजनीति करना हो, गटर को लेके करो, नाले को लेके करो, पानी को लेके करो। अगर कहीं दिक्कत लगता है, ऐसी कोई समस्याएं हैं, तो आमदार साहब से मिलो, हम लोग बैठे हैं, हमारे नगर सेवक, उनसे बात करो। लेकिन हाथ जोड़ के बोलता हूँ, कब्रिस्तान में राजनीति मत करो। कब्रिस्तान ऐसी जगह है सर, आप कह रहे हैं कि गटर पे करो, नाले पे करो, अगर तो बिल्कुल एमआईएम के जो रौफ लाला हैं उन्होंने गटर और नाले पर ही लेकर राजनीति की है, क्योंकि उस कब्रिस्तान जो कब्रिस्तान दिया यार, वहाँ पर गटर नाला ही, उस पूरी मिट्टी में वो गंदा पानी मिल चुका है। रौफ लाला साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पूरे कब्रिस्तान की मिट्टी में शहर का गंदा पानी मिल चुका है, इसमें किस तरह से मैयत दफन होगी? सुनिए, एक उनके कहने से हम नहीं मान लेंगे, बरोबर ना? लेकिन आप मेरी बात सुनिए, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। कब्रिस्तान के बाजू में अगर कोई नाला गया हुआ है तो उस नाले का भी इंतजाम होगा, लेकिन वो नाला कब्रिस्तान में नहीं है, ये गलत बात है। लेकिन वहां की मिट्टी में पानी फैल चुका है। आप मेरी बात सुनिए, कोई पानी मिट्टी में नहीं फैला हुआ है, उसके बारे में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे डे नाइट काम चल रहा है, वहां लोग रहते हैं। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि मर के हमको वहीं जाना है, ऐसा कुछ अगर होगा तो जाके पहले वहां हम खड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे आमदार साहब को किसी ना किसी तरीके से टॉर्चर किया जाए, कोई ना कोई तरीके से घेरा जाए, ये घेरने की कोशिश की जाती है। तो ये थे शमीम खान साहब, जिन्होंने हमारी कुछ सवालों का तो बेबाकी के साथ जवाब दिया, लेकिन कुछ सवालों को इन्होंने नज़रअंदाज किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो कहा है कि राजनीति अगर करनी चाहिए तो किसी पर पारिवारिक राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी के परिवार को उस राजनीति में नहीं लाना चाहिए। रही बात कब्रिस्तान की, तो कब्रिस्तान के मुद्दे पर भी इन्होंने अपनी बात बड़ी ही बेबाकी के साथ रखी है। इन्होंने अपने आमदार का पूर्ण तौर पर बचाव किया है। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।